नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। खबर जनपद औरैया ब्लॉक सहार के अंतर्गत थाना साहिल की है, जहां पर होमगार्ड विभाग होमगार्ड कंपनी सहार जनपद औरैया में शिव कुमार अरुण अवैतनिक प्रभारी कंपनी कमांडर के पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हुए और होमगार्ड विभाग में 22 वर्ष सेवा दी। इस दौरान जनपद औरैया इटावा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। हमेशा ही होमगार्ड जवानों के साथ सुख दुख में निरंतर खड़े रहे। होमगार्ड जवान भले ही उत्तर प्रदेश के किसी जनपद से क्यों ना हो, जवानों के हक और अधिकार के लिए बराबर संघर्ष किया। 22 वर्ष विभाग में सेवा के दौरान किसी भी कर्मचारी या जवान से कोई रिश्वत नहीं ली। वे संघर्षशील कर के प्रति कर्तव्य पारायण और ईमानदार रहे। इसी कारण जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनका कद हमेशा ऊंचा रहा। होमगार्ड विभाग में 22 वर्षों तक सेवा दी, जिसमें उन्होंने मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं किया और कहा कि मैं विभाग में रहूं या न रहूं, लेकिन मैं हमेशा होमगार्ड विभाग के जवानों के साथ सदैव कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हूं। अगर कोई समस्या होती है तो तत्काल हमें अवगत कराएं, विधिक कार्यवाही की जाएगी। प्रभारी कंपनी कमांडर शिव कुमार अरुण का सेवानिवृत्त विदाई समारोह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ थाना साहिल में मनाया गया। विदाई के दौरान थाना अध्यक्ष राजपाल यादव के द्वारा प्रतीक चिन्ह व होमगार्ड कंपनी सहार के बीओ अंशुमाली भट्ट के द्वारा अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। विदाई समारोह के समय बड़े भाई तुलाराम, सेवानिवृत्त सिंचाई विभाग पुत्र अंशुल राय भी मौजूद रहे। शिव कुमार अरुण की धर्मपत्नी प्रभा देवी का स्वागत हेड कांस्टेबल पूनम देवी के द्वारा हुआ और अंग वस्त्र भी भेंट किए। सेवानिवृत्त विदाई कार्यक्रम में उपस्थित थाना अध्यक्ष राजपाल यादव, SI विकास त्रिपाठी, HM वंश बहादुर यादव, CCT NS चेतन देव, हेड कांस्टेबल कुलदीप तिवारी, महिला कांस्टेबल आशा देवी, पूनम देवी होमगार्ड विभाग के ब्लॉक ऑर्गेनाइजर अंशु माली भट्ट, अमित कुमार कार्यालय बाबू, रनर सुशील कुमार, पूर्व कंपनी प्रभारी शिव महेश सिंह, होमगार्ड जवान रामहेत, राज बहादुर, सतीश चंद, कमलेंद्र सिंह, अरविंद शर्मा, सहदेव सिंह, अनिरुद्ध सिंह, चंदपाल वर्मा, राकेश कुमार, रामलाल PRD जवान, कृष्ण बिहारी, सतराम मनमोहन सिंह, श्री ऑल इंडिया पत्रकार एकता सहायता ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रभारी एवं श्री गुरु गोरखनाथ जहारवीर बाबा गौशाला गौरक्षक संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय मंत्री व न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के प्रधान संपादक SK यादव, राष्ट्रीय संगठन मंत्री व ऑल इंडिया पत्रकार एकता सहायता ट्रस्ट के प्रदेश प्रभारी सोमपाल गौतम, कार्यालय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अंजलि सोनी, मंडल महामंत्री पवन पाल, जिला उपाध्यक्ष औरैया पंकज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र गौतम, वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र कुमार नीरज, वरिष्ठ पत्रकार पंकज सिंह राणावत, पत्रकार मोहम्मद साजिद, पत्रकार कुमारी जूली भारती, मंडल ब्यूरो चीफ शरद कुमार, पत्रकार जसवीर सिंह, पत्रकार वीर सिंह, विद्रोही पत्रकार योगेंद्र प्रताप, उपेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट, वरिष्ठ पत्रकार नितिन अवस्थी आदि होमगार्ड विभाग के अवैतनिक व वैतनिक अधिकारीगण, जवान समस्त स्टाफ थाना सहायल, PRD जवान, पत्रकार, मीडिया बंधु, भारी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने फूल मालाओं को पहनाकर व उपहार देकर शिव कुमार अरुण का सम्मान किया। विदाई समारोह के दौरान ब्लॉक ऑर्गेनाइजर अंशुमाली भट्ट ने कहा कि मुझे गर्व है, ऐसा कर्मवीर योद्धा जो स्वयं में कानून का ज्ञाता है तथा ईमानदारी का प्रकाश पुंज है और अलौकिक प्रतिभा का धनी व्यक्ति है, ऐसे अवैतनिक अधिकारी को विभाग हमेशा याद करेगा। विदाई के समय होमगार्ड जवानों की आंखें नम हो गईं और कहा, साहब आप जैसा अधिकारी इस होमगार्ड कंपनी में न कभी हुआ है और न ही कभी होगा। शिव कुमार अरुण प्रभारी कंपनी कमांडर ने आए हुए पत्रकार मीडिया बंधुओं का न्याय का सजग प्रहरी कलम का हथियार भेंट कर सम्मान किया और कहा कि इस कलम की धार को सदैव बनाए रखें और जहां भी हमारी जरूरत पड़े मैं सदैव आपके साथ खड़ा हूं। अब मैं वकालत के पेशे में रहकर सभी की मदद करूंगा और समाज का उत्थान करूंगा। आए हुए सभी साथियों का शिव कुमार अरुण एडवोकेट ने बहुत बहुत आभार प्रकट किया। प्रदेश मीडिया सलाहकार ऑल इंडिया पत्रकार एकता सहायता से सोमपाल गौतम के द्वारा संविधान निर्माता का प्रतीक चिन्ह शिव कुमार अरुण जी को भेंट कर सम्मानित किया गया। ऐसी घटना हो जो आपको विचलित कर रही हो,
नहीं, मैं ऐसी तो जानकारी में और मेरे द्वारा ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए कि मैं हमेशा अनुशासन में रहा हूँ और सरकार द्वारा और विभाग द्वारा बनाए गए शासनादेशों के आधार पर मैंने अपने कार्य किया है। और यदि कोई छोटी मोटी दिक्कत आई तो मैंने अधिकारी को शासनादेश दिखा दिया, तो इसलिए कोई बड़ी समस्या पैदा नहीं हुई जी। अभी तक मतलब जो आपके साथी रहे उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश मेरा ये है कि अपने स्वाभिमान और सम्मान को सुरक्षित रखते हुए अनुशासन में रह करके समाज और देश की सेवा करना, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। आप रिटायर हो चुके हैं, आप रिटायरमेंट के बाद आप घर बैठ जाएंगे या समाज के लिए कुछ करना चाहेंगे? नहीं, मैं इस विभाग से अभी 30 जून में सेवानिवृत्त हुई, लेकिन इसके पहले भी मैं वकालत 1990 में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था, उसमें मैंने इटावा और या कानपुर नगर और कानपुर देहात में वकालत के रूप में सेवा की, आप सब पढ़ने पर और विभाग की भी सेवा की और समाज में भी रह करके मैंने काम किया। अंबेडकर समाज उत्थान महासभा अंबेडकर नगर पूर्वाजैन का मैं इस समय सचिव हूँ, बच्चा हमारा उसका संस्थापक है और मैंने समाज में दबे कुचले समाज को सहयोग कर उनके सामाजिक जीवन को उत्थान पर पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। महापुरुषों की किताबों को मैंने मंगवा करके समाज में वितरित किया और मैंने स्वयं भी बाबा साहब अम्बेडकर और साइमन कमीशन का रोल करके समाज को नई दिशा दी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।